नमस्कार दर्शक मित्र, स्वागत है आपका दिव्या न्यूज चैनल के हेल्थ प्लस कार्यक्रम में। हेल्थ प्लस में हम विशेष डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, मेडिकल फील्ड के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि जो बीमारियाँ होती है उनकी बारीकाई में जाते हैं। और अब हम आप दर्शकों को छोटी छोटी चीज़ की जो ध्यान रखना होता है उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो आज इस हेल्थ प्लस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कांता बूत्रा जी। तो नमस्ते, स्वागत है मैडम आपका। तो डॉक्टर कांता बूत्रा सूरत के एक माने हुए डॉक्टर हैं और सोशली भी बहुत बड़े एक्टिव रहे हैं और इनका जो स्वभाव है वो एकदम मिलनसार स्वभाव है और अपने पेशेंटों के साथ भी बड़े अच्छे से घुल मिल के उनको बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। तो कांता बूत्रा जी की मैं बात करूँ तो MD मेडिसिन किया है उन्होंने और प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो मैडम आपका हम दोबारा स्वागत करते हैं और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि कांता से कांता बूत्रा की जो जर्नी रही है आपकी, जो संघर्ष रहा है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं जिस जमाने में जन्मी हूँ उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाने का तरीका नहीं था और मैं मेरे 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो मेरे पे सब भाई बहनों की जवाबदारी थी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी और मैंने एक चीज़ नक्की की थी कि मुझे सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना है, मुझे कुछ बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ऐसे मेरे उस टाइम पे कोई दिमाग में नहीं था। पर मैं एक मारवाड़ी कम्युनिटी में हूँ जिसमें लड़कियों को दूसरे कोई फील्ड में जाने नहीं देते हैं, इसलिए मेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पर मेडिकल ही था। बहुत सही। तो आप मूल, जैसे आपने बताया कि आप मारवाड़ी कम्युनिटी के हो, तो आपका जो कॉलेज, आपका स्कूल, ये कहाँ पर किया? मेरा सब महाराष्ट्र में हुआ है। मेरी फैमिली वहाँ पे एक्चुअली माइग्रेट हो गई थी शोलापुर में, महाराष्ट्र में, और मेरा पूरा प्राइमरी सभी एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। बाद में कॉलेज सब सोलापुर में ही हुआ है। और मैं एक्चुअली फर्स्ट आई थी इसलिए मुझे एडमिशन भी, जब मेरा डोनेशन का कॉलेज था पर मुझे फ्री में मिल गई थी। बाद में MD के टाइम पे भी मेडिसिन में मैं फर्स्ट आई थी, मुझे एडमिशन इजीली मिल गई थी, तो वो जर्नी मेरी सब इजी रही थी। तो पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से आपको थ्रू एंड थ्रू आपको कहीं दिक्कतें नहीं आई और शायद आपको कुछ पुरस्कार भी, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। हाँ, मुझे 1976 में एक्चुअली थ्रू आउट अच्छे करियर के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैडम आप मेडिसिन किया है आपने और आप प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो उसके वो क्यों ऐसे वो हुआ? जर्नी ऐसे हुई, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने महावीर हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, फिर महावीर वालों ने मेरे को बोला कि आप जाके न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग लेके इधर आ जाओ और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे चालू करा दो। इस प्रकार मैंने ट्रेनिंग तो डॉक्टर BS सिंगल के अंडर बॉम्बे हॉस्पिटल में लिया था, पर उससे ही ज़्यादा मुझे लगा उस ट्रेनिंग से ज़्यादा मुझे जो ज़्यादा सिखाया गया है, मेरे पेशेंट ने सिखाया, पेशेंट देखे, पढ़ा, जरूरी पड़ने पे मैंने साहब को फ़ोन भी किए और ऐसे करते 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 सीखती गई। क्या बात है, डॉक्टर सिंगल के साथ में काम किया बहुत बड़ी बात है। वैसे सिंगल साहब शायद एशिया में माने जाते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड में माने जाते हैं। तो न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो किन किन प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एक्यूट एक डिसऑर्डर, एक क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने बताई दिए, एक्यूट यानी अभी समझो अचानक लकवा हो गया, आपने सुना ही होगा अगर लकवा हो जाता तो क्या होता है, बराबर है। वैसे एक नसों का सूजन अचानक आ जाता है जिसको हम लोग गुलेनबारी बोलते हैं कि उसके कारण भी टोटल पैरालिसिस हो जाता है। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है यानी मज्जारज्जू के ऊपर सोजा आ गया तो उसके कारण दोनों पैर, या वो बीमारी ऊपर ऊपरते बढ़ती गई तो हाथ पैर सब काम करने के बंद हो जाते हैं, तो ये सब एक्यूट बीमारियाँ। और जो भी एक्यूट बीमारियाँ होती है उसमें आप तुरंत इलाज कर लो तो पेशेंट को काफ़ी बार पूरा अच्छा कर सकते हैं। और काफ़ी बार जैसे लकवा जैसी एक्यूट बीमारियाँ होती है वो रोकने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले आपको अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल, तो आपको वो टोटली कंट्रोल में रखना है। अगर आप BP कंट्रोल नहीं रखो, हेमरेज 30 साल की उम्र में भी हो जाए, बोल नहीं सकते। इसलिए एक्यूट बीमारी में से ये जो लकवा ग्रुप की बीमारी है काफ़ी बार आप उसको रोक सकते हो और वो वेसल्स अच्छी रख सकते हो, तो ये एक हुआ। दूसरी ग्रुप है आपके व्यसन, अगर स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल,
ये सब चीज़ें होगी तो इससे ये सब न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ जल्दी हो जाती है। जैसे कि काफ़ी बार एक्चुअली कॉर्टिकल वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, यानी दिमाग के अंदर की वेन बंद हो जाती है। आर्टरी बंद होने से जो लकवा होता है वो अलग, वेन बंद होने से जो होता है वो अलग, और वो काफ़ी बार होमोसिस्टिन बढ़ने से होता है। होमोसिस्टिन क्यों बढ़ता है? अपनी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, तम्बाकू, अल्कोहल, और काफ़ी बार अल्कोहल में भी वो एक्चुअली खराब जंग की वो देशी दारू की जिसमें लेड एंड बाकी सब चीज़ें भी होती है। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफस्टाइल ठीक रहे तो काफ़ी बार ये एक्यूट बीमारियाँ हम लोग रोक सकते हैं। गुलेनबेरी नहीं, हम नहीं रोक सकते। ट्रांसमाइलाइटिस नहीं रोक सकते। पर आपको अगर समझो खांसी आ रही है, टीबी हो गई है, टीबी समझो आपने ध्यान नहीं दिया, मनके तक चली गई, वो मज्जा रज्जू पे सोजा आ गया, तो वो ट्रांसमाइलाइटिस शायद आप पहले बराबर इलाज करके रोक सकते हैं। तो ये एक्यूट बीमारी होगा। अभी क्रोनिक बीमारियाँ मैं दो ग्रुप में लूँगी। एक जब बच्चा जन्मता है तब उसके दिमाग में जो कुछ इंजरी हो गई या काफ़ी बार ऑक्सीजन कम मिलने से दिमाग का डैमेज हो गया तो वो हुआ, तो वो उसमें जैसे धीमे धीमे जाते हैं, फिजियोथेरापी करते जाओ, ये करते जाओ, बच्चे सुधरते जाते हैं, वो अलग एक ग्रुप हुआ, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है। और उस ग्रुप के लिए तो मेरे को लगता है कन्हू भाई ने डिसेबल्ड लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ी संस्था निकाली है लोगों की, उन लोगों को इसमें फ़ायदा हो सकता है। मेरे को लगता है वहाँ पे अच्छा फिजियोथेरापी भी शायद होगा आपके यहाँ पे। जी जी हाँ, क्योंकि इसमें क्या फिजियोथेरापी उसके साथ में बच्चों को जो कमी है समझो कॉग्निटिव चेंजेस है तो कॉग्निटिव थेरापी, बाकी सब थेरापी, स्पीच थेरापी, बहुत सारी थेरापीज देखिए आप उस ग्रुप को सुधार सकते हो। किस हद तक सुधारोगे वो इस पर डिपेंडेंट है कि दिमाग का डैमेज कितना है। अब दूसरी जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो काफ़ी बार मसल वीक होते हैं, मायोपैथी ग्रुप का मेरे को लगता है शायद आपके यहाँ पे रहते होंगे मायोपैथी वाले पेशेंट भी। एड्यूशंस मस्कुलर डिस्ट्रोफी 5-7 साल के बच्चे को, 4-5 साल के बच्चों को शुरू हो जाती है, फिर काफ़ी बार कोई की नसों की बीमारी हो जाती है तो वो क्रोनिक रहती है तो सालों में बढ़ती जाती है, पर उसमें काफ़ी बार घर में हिस्ट्री भी रहती है कि भाई हाँ ये घराने की बीमारी है, वो एक क्रोनिक बीमारियों का ग्रुप हो गया। मायोपैथी ग्रुप एक बहुत बड़ा है। फिर दूसरा जो क्रोनिक बीमारियों का ग्रुप होता है वो न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस बोलते हैं। वो बीमारियाँ मोस्टली कैसे होता है कि बच्चा आदमी 30-40 साल तक ठीक रहेगा, फिर बाद में वो धीमे धीमे या तो किसी की नसें वीक होती जाती है, किसी के मसल उस ग्रुप में भी वीक होते जाते हैं, काफ़ी बार हेरिडिटरी अटैक्स या बोलते हैं तो उसमें वो बैलेंस भी बिगड़ता जाता है बाद में जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे, तो ऐसी बहुत सारी ग्रुप के बहन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत सुधर रही है, वो सुधरे हुए लाइफस्टाइल का एक साइड इफेक्ट अल्जाइमर्स डिसीज, जिसे उम्र बढ़ती है काफ़ी बार ये चीज़ अपने हाथ में नहीं रहती और आपको दिमाग छोटा होता जाता है, आप भूलते जाते हो, घर वालों को भूलते हो, रास्ता भूलते हो, घर का काम करने का भूलते हो काफ़ी बार, तो बाद में जैसे बीमारी बढ़ जाती है बाथरूम कहाँ जाना है वो भी नहीं मालूम पड़ता है, उसके बाद में खाने का नहीं मालूम पड़ता है, घर वालों पर बहम करने लग जाते हो, पहचानते ही नहीं हो, उन सब 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 बढ़ के लास्टली पेशेंट वेजिटेटिव हो जाते हैं, खाना पीना सब परावलंबी हो जाता है। सो ऐसे तो एक मैंने आपको थोड़ी सी दूसरे से और दूसरी बीमारियाँ जैसे हेडेक है, फिट्स है, ये फिट्स का प्रॉब्लम मेरे को लगता है आपके वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें काफ़ी कॉमन रहता है, क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा दिमाग में कोई ना कोई खराबी रहती है, कोई कोई दिमाग की बीमारियाँ काफ़ी बार जो पेट में ही मम्मी के दिमाग डेवलपमेंट बराबर नहीं होता है तो भी होती है, तो वो जो दिमाग का डैमेज होता है उसके कारण फिट्स की बीमारियाँ इस ग्रुप में जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे उनमें काफ़ी बार काफ़ी कॉमनली रहती है। तो एक मैंने आपको सर जस्ट झलक बताई है, सही बात है, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल का काम है। नहीं नहीं, ये तो नटशेल मतलब नटशेल आई विल से जस्ट एक जाकी ओवरव्यू जाकी दे दी आपको क्योंकि और ये बात तो समझ में आती है कि अगर लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो ये बीमारी को आप बुला रहे हैं अपने पास। इवन अल्जाइमर्स बीमारी भी कैसे होती है ना, आप रिटायर होने के बाद बढ़ जाती है, आप रिटायर होने के बाद एक्टिविटीज कम कर देते हैं, कर देते हैं, तो यूजुअली मैं सबको यही बोलती हूँ डोंट रिटायर, करेक्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो, यूज द ब्रेन और लूज, मतलब एक्टिव रहना चाहिए लास्ट मोमेंट तक जिंदगी के, जिंदगी हर ढंग से एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, कसरत करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो सब करो, बट उसका मतलब ये नहीं कि दिन भर टीवी के सामने बैठे रहो और मोबाइल देखते रहो, क्योंकि हमारे को वही अच्छा लगता है। तो इतने इतने इतना सारा तजुर्बा है आपको और समझो 40 साल के ऊपर हो गया आपको, हो जाएगा
तो इसमें कई सारे चैलेंजिंग केस आपके पास आते जाते हैं, तो ऐसा कोई केस जो आपकी मेमोरी में है जो आप जिंदगी में ये सोचते हो कि जो मेरा तजुर्बा था, जो मेरी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है और जो एनालिसिस जो आप डिजीज़ को करते हो, तो आपने किसी पेशेंट के साथ ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई वाक्य कि जिसमें आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैंने ये जो चैलेंजिंग लॉस्ट केस था उसको मैंने रिवाइव किया या एक स्तर पर ला के छोड़ा? नहीं देखो, लॉस केस तो काफ़ी बार रिवाइव हो जाते हैं, वो डिपेंड्स ऑन, अभी अगर स्ट्रोक का है, पीछे के भाग का दिमाग का स्ट्रोक है, उसमें अगर आजकल तो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं कि जिसके कारण इवन थ्रोम्बेक्टमी होती है, उसके कारण वो लोग रिवाइव हो जाते हैं, काफ़ी बार बाहर भी निकल जाते हैं। एन्यूरिज्म यानी वो फुगा जैसे फूला है, वो फूट गया, वो ये कर दिया आपने, ब्लॉक करा दिया उसको और बाद में उसको इलाज किया, ही हो जाता है, वो सब अलग है। पर काफ़ी बार हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है पैसों की आती है। अभी मेरे पास एक हवाला आया था, माँ और बेटा दोनों रहते थे, एक्चुअली गुलेनबर्ग की बीमारी थी, उसका टोटल पैरालिसिस पैरों से लगा के मुंह तक सब हो गया था। उसको आते ही हम लोगों को यहाँ पे होल करके, वो एक्चुअली बाद में दो चार दिन में होल भी करना पड़ा था, ट्यूब से फीडिंग चल रहा था, एंड डेड लग से उसका हम लोग वेंटिलेटर निकाल नहीं पा रहे थे, उसको वेंटिलेटर 4 महीने से ज़्यादा लगा था। अब उस पेशेंट का ICU सा खर्चा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लकीली मेरे को उस टाइम पे महावीर हॉस्पिटल ने भी थोड़ी हेल्प की, उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग वेंटिलेटर का खर्चा माफ़ कर देते हैं, और मेरे को बाकी सब लोगों ने हेल्प की कि जिसके कारण प्रैक्टिकली 6 लाख का बिल हम लोग इधर उधर से इकट्ठा करके, नेचुरली मैंने फिर उसका पैसा नहीं लिया मेरा और उसको हम लोगों ने पूरा मिस खड़ा करने तक ठीक कर दिया था, फिर बाद में घर भेज दिया था। बाद में उनको बताया था भाई फिजियोथेरेपी अभी भी चालू रहेगी, ये होगा और ये ठीक है, पर उस टाइम पे ऐसे लगता है कि भाई ये डॉक्टर्स की हालत मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होगी उनकी हालत, जब पेशेंट के पास पैसा नहीं रहता है पर लगता है कि इसमें बीमारी से बाहर निकल सकता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर आप कुछ नहीं कर पाओ तो, या वो पेशेंट को आप फोर्स कर दो कि नहीं तुम चले जाओ, या सिविल में शिफ्ट हो जाओ, या इधर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। सो ये सिचुएशन शायद मिजरेबल रहती है डॉक्टर्स के लिए। हाँ, सही बात। ओके, हरेक को हरेक टाइम पे आपको इतना पैसा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आपको एक मतलब मन में खुशी रहती है कि मुझे, मैंने इस पेशेंट को हेल्प किया। नहीं, ऐसे डॉक्टर एंड ऐसे ह्यूमन बोथ, जो भी है, बट एक डॉक्टर्स को तो नेचुरली उनका पेशेंट अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है। कोई भी डॉक्टर को खुशी तो तभी होती है, कहे 2 लाख रुपए मिलने से नहीं मिलेगी कि जितनी इससे होती है। मेरे पास, मेरे को अभी उस पर से अपनी याद आया, एक पोरफायरिया के पेशेंट थे, उस टाइम पे ये लगते 88-87 की इतना कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 3 पेशेंट मेरे पास सामने थे और एक बच्चा बहुत सीरियस था, वेंटिलेटर पे था, उसके लिए हमने एबॉट से अमेरिका से इंजेक्शन मंगवाए थे, वो दिए थे, वो अच्छा हो गया, आज वो लड़का भी अमेरिका में है। सो ऐसी काफ़ी, चलो डॉक्टर्स की जिंदगी में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स मेरे ही नहीं, सबके ही आते हैं, और आते रहते वो ऐसे काफ़ी बार लगता है कि चलो अपने को पैसे नहीं मिले तो ही चले, बट पेशेंट से इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो कांता, डॉक्टर कांता बुत्रा की जो यात्रा रही है, मेडिकल यात्रा, अगर ऐसी कौन सी चाह आपके दिल में है कि अगर मुझे समय मिले तो मैं करना चाहूँगी? देखो, वैसे तो मैं मेरी सभी चाहे पूरी कर लेती हूँ। तो 1988 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी एपिलेप्सी पे, स्वीकार बोल के। सो वो मैंने गुजरात गार्डियन में भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, गुजरात मित्र में भी लिखे हुए हैं। मैंने एक बुक जो लिखी थी, एक कहानी करे सयानी, वो गुजरात गार्डियन ने मेरी स्पॉन्सर की हुई है, तो वो तो मैं करती रहती हूँ। अभी मैंने एक फ्रॉम पेन टू ब्रेन लिखा हुआ है, पर मेरी अभी इच्छा यही है कि मैं और भी जो मेरे पेशेंट्स की स्टोरीज होती है वो लिखती जाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, कि उससे लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। बट नॉट ओनली पेशेंट स्टोरी, इवन जो समाज के जो अनुभव होते हैं उस पर से स्टोरी, चलो कलू भाई की स्टोरी बहुत ज़्यादा एकदम ये है कि लोगों को एकदम मोटिवेट कर दे कि हाँ करो करो करो। तो ऐसे आई एंजॉय दो स्टोरीज, इवन इंक्लूडिंग सास बहू से लगा के सबको स्टोरीज मुझे अच्छी लगती है लिखना। सो एंड समाज में ऐसे छोटे 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 प्रॉब्लम होते हैं, बट काफ़ी बार उस स्टोरीज से हम बहुत सीखते हैं। मैं कहता हूँ स्टोरीज, वो स्टोरीज पर से कुछ ड्रामास या ऐसे करते ही जाओ। सही बात। डॉक्टर कांता बुत्रा डॉक्टर नहीं होती तो क्या? मुझे अगर एजुकेशन नहीं मिलता तो मैं क्या करती, मुझे नहीं पता है, बिकॉज मेरी सर्कमस्टेंसेस बहुत खराब थे उस टाइम पे, एक्सेप्ट एजुकेशन मेरे पास कुछ भी नहीं था। सो एंड वो मैं एक्चुअली डिटरमाइंड थी
कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगी, लकीले मेरे फादर ने मेरा पूरा साथ दिया। क्या बात, अदरवाइज नहीं बन पाती। सही। तो आज आप दिव्यांग चैनल पर आई हो, कनु भाई से आप मिले, कनु भाई की जो संस्था है उसके बारे में आपने जाना, तो क्या प्रतिभाव देना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी संस्था खड़ी करना, मतलब उनके दिल से एक चीज थी मेरे को कुछ करना ही है, उसलिए वो कर रहे थे। उसलिए किया, डिटर्मिनेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से नहीं होता, उसके साथ में एक्टिव भी होके करना पड़ता है। ओनली डिटर्मिनेशन या सोचने से, जस्ट ड्रीमिंग से कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो मेहनत करनी पड़ती है, इतनी बड़ी संस्था खड़ी करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मैं एक्चुअली इमेजिन नहीं कर पाती। इट इज़ नॉट अ सिंगल हैंडेड वर्क, बट लेता इनकी सब पूरी टीम ही इतनी स्ट्रांग होगी, डिटरमाइंड होगी, कि जिसके कारण इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया हुआ है। मैंने इनके सभी सेंटर्स देखे हैं, इंक्लूडिंग रिहैब सेंटर भी देखा है, इतने सारे कंप्यूटर्स थे, ये थे, बच्चे सब कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि रिहैब सेंटर को भी और डेवलप करना चाहिए, और मुझे मेरी एक इच्छा है जैसे कनु भाई इस डिटर्मिनेशन से इतने बड़े बने, इसमें से काफ़ी दिव्यांग इसी स्टेज पे जाए या नेशनल इंटरनेशनल पर लेवल पे जाए और अभिमान से बताए कि हमने शुरुआत यहाँ से की थी। तो आपने बच्चों से मिले? हाँ जी। उनके मुंह पे जो खुशी है उसके वो कैसी? बच्चों के मुंह पे बहुत खुशी है, बच्चे बहुत वेल मैनर्ड हैं। हम जहाँ पे गए थे बच्चों ने नमस्ते किया, खड़े हो गए। एक्चुअली तो मुझे स्कूल की इसकी इतनी आदत नहीं है, इसलिए उनको तुरंत बैठ जाओ बोलने की मेरे को ये नहीं हुई, बट दे डिडंट सी, वो मेरे को थोड़ा बुरा लगा, मेरी गलती लगी। पर इतने वेल मैनर्ड बच्चे डेवलप किए हुए हैं, और बाकी जो हायर क्लास के थे आपके जो पढ़ रहे थे बच्चे कॉलेज वाले, तो वो सब कंप्यूटर्स पे अपने अपने काम कर रहे थे। आई पर्सनली फील उन लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनको थोड़ा दुनिया का एक्सपोजर चाहिए। एकदम सही बात। तो अंत में मेरा एक प्रश्न आपसे कि हमारे दर्शकों को, समाज को हेल्थ के बारे में एक मैसेज आप दीजिएगा। भैया मैं एक सिंपल 5 टिप्स देती हूँ, बराबर है? खाना हेल्दी खाओ, ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, बराबर है? सेकंड टिप, आधा घंटा कम से कम कसरत करो या योगा करो, कुछ ना कुछ करो, पर थोड़ा मीन्स अपने शरीर को, शरीर पे मेहनत करो, बैठे मत रहो। तीसरी टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका मोबाइल एंड टीवी टाइम लिमिट में रखो, बराबर है? और चौथी टिप, आपका जो भी काम करना है आप टाइम पे कर लो, तो बाद में आपको टेंशन नहीं रहेगा, नींद अच्छी आ जाएगी, नींद अच्छी आएगी तो आधी बीमारियाँ कम हो जाएगी। व्यसन से, और एक लास्ट टिप, व्यसन से दूर, बराबर है? अगर व्यसन से दूर रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इससे कोई फायदा नहीं होता है। उसके साथ इतना ही इम्पोर्टेंट है जंक फूड, आजकल हम बोलते हैं बैठे रहना एक ही जगह पे इज एज गुड एज स्मोकिंग, सो सिडेंटरी कंटिन्यूस बैठे मत रहो। सही बात। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बूत्रा। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर कांता बूत्रा, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, उनकी जो जर्नी रही है, उनका जो संघर्ष रहा है उसके बारे में बताया, और काफ़ी कुछ जानकारी दी, हेल्थ के टिप्स भी आपको दिए। तो आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं और विदाई लेते हैं डॉक्टर कांता बूत्रा से, और दोबारा उपस्थित होंगे हेल्थ प्लस के एक विशेष कार्यक्रम में एक विशेष डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।